हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेरणास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला तवा भाजी, सबकी फेवरेट, बहुत ही यम्मी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। जल्दी से चलिए आप मेरे साथ ट्राई करिए। सबसे पहले मैंने कुकर लिया है, उसमें मैं गोभी डाल रही हूँ रफली चॉप्ड, पोटैटो ये भी रफली चॉप्ड है, मैंने पानी में डालकर रखा था गोभी और आलू को, गाजर मैंने ये छोटी गाजर ली है, और 1/4 बीट रूट लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। कोई भी आपको आर्टिफिशियल कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पानी डालकर हम इसे 2 वेसल तक कुक कर लेंगे। फिर मैं एक पैन में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, 2 टेबलस्पून बटर। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, अराउंड मैंने 2 चिली ली है छोटी छोटी, ग्रेटेड गार्लिक, ग्रेटेड जिंजर, और इन्हें इसे भी हम सौते कर लेंगे, मैंने एट टाइम ग्रेट किया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चॉप्ड ऑनियंस, इन्हें भी अच्छे से हम पका लेंगे, और मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। पीस, फिर ये मैंने बॉयल वेजिटेबल्स, कुकर ओपन हो चुका है, अभी इसे स्मैश कर लूँगी स्पून से ही, देखिए बहुत अच्छे से स्मैश हो रही है। सॉल्ट डालेंगे हम अपने स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, इसे फिर हम अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। फिर हम डालेंगे टमाटो चॉप किए हुए, टमाटो को भी हम ऑनियंस और पीस के साथ अच्छे से पका लेंगे। और फिर हम डाल रहे हैं बेल पेपर, कैप्सिकम्स, पाव भाजी मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, इन सब चीज़ों को आप प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। आप चाहें, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप रेड चिली स्किप कर सकते हैं। अब कवर करके हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। कसूरी मेथी रब करते हुए मैं इसमें डालूंगी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। फटाफट बन जाती है ये भाजी, आप ब्रेड के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। जो हमने स्मैश की थी वेजिटेबल्स, वो अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे भी कुक कर लेंगे थोड़ा पानी डालते हुए, और 5 मिनट, और इसे हम लो फ्लेम पे करके गरम मसाला डालकर और पका लेंगे। उसके बाद मैं स्मैशर से इसे स्मैश कर लूँगी। बहुत बढ़िया लगती है, एकदम बाज़ार की तरह लगती है ये भाजी, आप देखिएगा, घर पे ट्राई करिएगा। अब तवा भाजी बोला है तो तवे पे हम बटर लगाकर, और जो हमारी भाजी रेडी हुई थी उससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं पाव भाजी मसाला, और जो हमारी भाजी रेडी हुई थी वो, और जो भी हम रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग वाटर डालेंगे इसमें। ये देखिए, वाटर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया, एकदम बाजार की तरह भाजी बन चुकी है हमारी। अब हम इसमें पाव सेकेंगे, तो थोड़ा मसाला डालिए पाव भाजी वाला, और बटर लगाते हुए ये पाव को सेक लीजिए, और ये हमारे पाव भाजी रेडी हो गई है, बहुत ही बढ़िया है। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी भाजी कैसी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।